दोस्तों आज किस वीडियो के माध्यम से बिहार के ई राशन कार्ड डाउनलोड करने की दो प्रक्रिया बताने वाला हूं। आसान शब्दों में बात करें तो आप दो तरीके से बिहार के ई राशन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। सो राशन कार्ड कैसे डाउनलोड करेंगे इसकी पूरी जानकारी बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। मेरा नाम है राजकुमार और आपका अपना ही चैनल राज हेल्प में आपका स्वागत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। वीडियो आगे से पहले मैं सख्त आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। तो दोस्तों पहले स्टेप के माध्यम से बिहार ई राशन कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले डिगी लॉकर की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। अब इस वेबसाइट पर आने के लिए सबसे पहले आपको कोई भी ब्राउजर में टाइप करना है digilocker.gov.in, ये लिख के आप जैसे सर्च करें आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। हालांकि इस वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हूं, उस लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करें तो आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। अब इस वेबसाइट पर आप जैसे ही आ जाते हैं यहाँ पे कॉर्नर में आपको दो ऑप्शन देखने मिलेगा, पहला साइन इन और दूसरा साइन अप। तो अगर आप पहली बार इस वेबसाइट पे विजिट कर रहे हैं तो पहले आपको साइन अप विकल्प पे क्लिक करना है और यहाँ पे कुछ बेसिक सी जानकारी भर के आपको अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड बना लेना है। मैं पहले से ही लॉगिन आईडी पासवर्ड बना रखा हूँ। जैसे आप लॉगिन आईडी पासवर्ड बना लेंगे उसके बाद आपको साइन इन विकल्प पे इस तरह से क्लिक कर देना है। अब जो मोबाइल नंबर के माध्यम से आपने यहाँ पे लॉगिन आईडी पासवर्ड बनाया है वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे एंटर करना है और नेक्स्ट विकल्प पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट विकल्प पे आप जैसे ही क्लिक दोस्तों तो जिस समय आपने इनका लॉगिन आईडी पासवर्ड बनाए होंगे उस समय जो भी आपने 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन सेटअप किए होंगे वो 6 डिजिट का यहाँ पे आपको पिन एंटर करना और साइन इन विकल्प पे क्लिक कर देना है। साइन इन विकल्प पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके मोबाइल पे ओटीपी आएगा, ओटीपी एंटर करके वेरीफाई कर लेना है। जैसे आप वेरीफाई कर लेंगे उसके बाद आप इस तरह से डिगी लॉकर में लॉग इन हो जाएंगे। अब यहाँ पे आपको मेनू बटन देखने को मिलेगा, इस पे आपको इस तरह से क्लिक करना है और यहाँ देखिए तीसरे नंबर में एक ऑप्शन देखने मिलेगा सर्च डॉक्यूमेंट, इस पे आपको इस तरह से क्लिक कर देना है। अब सर्च डॉक्यूमेंट पे आप जैसे ही क्लिक दोस्तों अब यहाँ पे आपको फिर से सर्च डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना और यहाँ पे आपको टाइप करना है राशन कार्ड। तो आप इस तरह से RATION राशन, यहाँ पे मैं राशन कार्ड लिख के इस तरह से सर्च कर दिए। अब जैसे आप राशन कार्ड लिख के सर्च करेंगे तो यहाँ देखिए सभी स्टेट का यहाँ पे राशन कार्ड डिटेल देखने को मिल जाएगा। तो आप जो भी स्टेट कार्ड डाउनलोड करना चाह रहे हैं आप अपने स्टेट के नाम पे क्लिक कर दीजिए। मैं इस तरह से यहाँ पे राशन कार्ड फूड एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट ऑफ बिहार, इस पे हमने इस तरह से क्लिक कर दिए। अब इस पे आप जैसे ही क्लिक दोस्तों आपको इस तरह से स्क्रॉल करना है, यहाँ से आपको अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद आपको ओके विकल्प पे क्लिक करना है और जो राशन कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं वो राशन कार्ड नंबर आपको यहाँ पे एंटर कर लेना है। तो मैं इस तरह से यहाँ पे राशन कार्ड नंबर पेस्ट कर दिए और उसका गेट डॉक्यूमेंट पे इस तरह से क्लिक कर देना है। अब जैसे आप गेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करें तो यहाँ पे आपके राशन कार्ड को सर्च किया जा रहा है, आपको कुछ ही सेकंड यहाँ पे वेट करना है और वेट करने के बाद आपके राशन कार्ड को डिगी लॉकर में फेच कर दिया गया, यानी कि ऐड कर दिया गया। अब आप डाउनलोड करना चाहते हैं फिर से आपको ये 3 लाइन पे क्लिक करना है और इशू डॉक्यूमेंट, ये जो सेकेंड नंबर में दिया गया इशू डॉक्यूमेंट, इस पर आपको इस तरह से क्लिक कर देना है। इस पे आप जैसे कि ना दोस्तों तो जितने भी आपके डिगी लॉकर में डॉक्यूमेंट इशू होगा वो सभी डॉक्यूमेंट आपको इस तरह से देखने को मिल जाएगा। अब आपको इस तरह से स्क्रॉल करते नीचे की तरफ आना है। जैसे आप नीचे की तरफ आएंगे दोस्तों तो यहाँ देखिए आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा राशन कार्ड और यहाँ पे डिपार्टमेंट का नाम देखने को मिलेगा। अब ये जो डाउनलोड का आइकन दिया गया इस पे आपको इस तरह से क्लिक कर देना है। इस पे आप जैसे कि ना दोस्तों अब यहाँ पे आपको PDF का ऑप्शन देखने को मिलेगा, सिंपली आपको PDF पे इस तरह से क्लिक कर देना है। PDF पे आप जैसे ही क्लिक दोस्तों इस तरह से आपका ई राशन कार्ड देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और नीचे की तरफ आएंगे दोस्तों तो यहाँ पे आपके सभी मेंबर का नाम देखने को मिल जाएगा और ऊपर में आपका जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होते हैं वो सारा जानकारी देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपके पूरे फैमिली का फोटो देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों ये तो पहला तरीका हो गया। अब दूसरे तरीके के माध्यम से अपना राशन कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सिंपली एक न्यू टैब ओपन करना है, गूगल ओपन करना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है EPDS लिख के इस तरह से सर्च करना है, पहले वाले लिंक पे इस तरह से क्लिक कर देना है। पहले वाले लिंक पे आप जैसे ही क्लिक दोस्तों अब यहाँ पे देखिए आपको साइड में कई ऑप्शन देखने मिल जाएगा। ये जो आपको एक ऑप्शन देखने मिलेगा RCMS रिपोर्ट, इस पे आपको इस तरह से क्लिक करना है। यहाँ से आपको अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम सिलेक्ट करना है, शो विकल्प पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए आपके जो डिस्ट्रिक्ट में रूरल यानी ग्रामीण क्षेत्र में कितना राशन कार्ड बना हुआ है वो नंबर देखने को मिलेगा
और शहरी क्षेत्र में कितना बना हुआ है वो नंबर देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप ग्रामीण का डाउनलोड करना चाहते हैं तो रूरल के नीचे ये जितना नंबर है इस नंबर पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ से आपको अपना ब्लॉक का नाम सिलेक्ट करना है, जो भी आपका ब्लॉक का नाम है। उसके बाद यहाँ से आपको अपना पंचायत का नाम सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ से आपको अपने गाँव के नाम पे क्लिक करना है। अब आपके गाँव में जितने भी व्यक्ति का राशन कार्ड बना होगा उन सभी का आपको इस तरह से लिस्ट देखने को मिल जाएगा। तो आप इनमें एक एक करके पूरे बारीकी से चेक कर लीजिए। अगर आपको पहले पेज में नहीं मिलता है तो आपको सिंपली क्या करना है, दूसरे पेज पे इस तरह से क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आप दूसरे पेज पे क्लिक कर दीजिए और दूसरे पेज में आपको पूरे बारीकी से ढूंढना होगा। अब मान लीजिए कि दूसरे पेज में आपका राशन कार्ड नंबर मिल जाता है, आपका नाम भी देखने को मिल जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि ये आपका राशन कार्ड है, तो ये जो राशन नंबर दिया गया इस नंबर पर आपको इस तरह से क्लिक कर देना है। इस पे आप जैसे कि ना दोस्तों इस तरह से आपका राशन कार्ड देखने को मिल जाएगा। अब आपको इस तरह से स्क्रॉल करना है, यहाँ आप देखिए प्रिंट पेज का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। प्रिंट पेज पे क्लिक करना है, अगर प्रिंटर अटैच होगा तो प्रिंट हो जाएगा, नहीं तो आप पीडीएफ पे इस तरह से क्लिक करके आप इन्हें पीडीएफ में डाउनलोड कर लीजिए। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से आप दो तरीके से अपना ई राशन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।